हेलो एवरीवन, तो कैसा हैं आप लोग? ये मेरा लाइफ का पहला ब्लॉग चैनल है। काफ़ी सोचने के बाद, काफ़ी लोगों से बात करने के बाद आज से मैं ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। पहले मैं नॉर्मली ट्रैवलिंग का वीडियो डालता था, इंस्टा और यूट्यूब पे डालता था, तो लोगों ने बोला कि मुझे ब्लॉग की ओर जाना चाहिए। फिर मैंने इसका कंटेंट देखा, मुझे काफ़ी इसमें रुचि आया, तो मैं आज से ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। ये मेरा रूम है, चलिए मैं आप सभी को रूम टूर दे देता हूँ, फिर बाकी बातें आगे ये की देखिए, जाएगी। मेरा ये मेन गेट है, यहाँ से मैं इंटर करता हूँ। ये एचपी का मैंने एक प्रिंटर मंगाया है, आज ये डिलीवर हुआ है। स्मार्टिंग 585 लेटेस्ट प्रिंटर है। यहाँ मैंने पानी का जार मंगाया है। ये मैं ऊपर कुछ कुछ खाने का सामान रखा हुआ हूँ। ये मेरा स्टडी टेबल है, ये चेयर है, ये बेड है। इस रूम में वेंटिलेशन नहीं है लेकिन विंडो काफ़ी है, इसलिए मैं इस विंडो को हमेशा खोल के रखता हूँ ताकि वेंटिलेशन का ज़रूरत ना पड़े मुझे। मैंने अभी तक अपना कपड़ा भी अनपैक नहीं करा है। ऐसी ही है, ये बाथरूम है, यहाँ पर ऊपर भी मैंने कुछ सामान रखा है। यहाँ पे मेरा पढ़ने का सारा नोटबुक्स। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये रूम टूर? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यह एक रूम विद अटैच बाथरूम है, छोटा सा अटैच किचन दिया हुआ है। यह एक या दो स्टूडेंट को रहने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे नीचे कुछ काम है, मुझे मंदिर भी आज जाना है, तो मैं मंदिर भी आज हो लेता हूँ। फिर आकर मैं प्रिंटर को अनबॉक्स करता हूँ, आप लोगों को प्रिंटर के बारे में भी बताता हूँ, एक लेटेस्ट प्रिंटर है। चलिए फिर मंदिर से आते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं। तो मैं नीचे से आ गया, अब इस प्रिंटर का अनबॉक्सिंग करते हैं, आप लोग इस प्रिंटर के बारे में बताते हैं। ये प्रिंटर एचपी का 585 वायरलेस स्मार्ट टैंक प्रिंटर है, ये एक लेटेस्ट प्रिंटर है। चलिए इस प्रिंटर को अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। मैंने प्रिंटर को बाहर निकाल लिया है। ये प्रिंटर है, इसके साथ एक मैनुअल आता है, इसमें वारंटी कार्ड्स भी होती है और इसमें इंक है और प्रिंटेड है और चार्जिंग केबल और यूएसबी केबल होता है। चलिए इस प्रिंटर को मैं सेट कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे इसका सेट करना है सारा, कैसे इंक फिल करना है। मैं सब चीज़ आप लोगों आपने ने देखा कि देखा मैंने प्रिंटर निकाला, फिर मैं इसे सेट कर दिया, मैंने इसमें इंक फिल कर दिया पूरा और इसके अंदर प्रिंटेड लगाना होता है वो भी लगा दिया। मैं ये देखिए प्रिंटेड आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक ये एक कलर आता है, एक ब्लैक एंड वाइट आता है, वो दोनों में लगा दिया। कलर इस साइड लगाना होता है, ब्लैक एंड वाइट इस साइड लगाना होता है, मैंने लगा दिया है। तो इसको बंद कर दिया, ये जैसे आप लोग देख रहे हैं इस बॉक्स में हमें मिला था वैसा भी मैं इस बॉक्स में रख दिया सारा। ये आप लोग जो प्रिंटेड के लिए आता है इसे मत आप लोग फेंकिएगा, बहुत लोग फेंक देते हैं। ये एयर निकालने का काम आता है, कभी इंक फंस जाता है तो एयर निकालने का काम आता है, इसे आप सेफली रखिएगा। ये किसका ब्लू बॉटल आता है, एचपी का GT52 के नाम से। एचपी हमेशा रिकमेंड करती है कि आप उसी के कलर्स यूज़ करें। ये बॉटल थी, मैजेंटा कलर में ही रहती है। ये तीनों छोटी बॉटल थी कलरफुल वाली, और ये ब्लैक एंड वाइट बड़ी बॉटल थी, इसका आधा ही गया इंक अभी इसमें और आधा बचा हुआ है, फुल हो गया। चलिए इसको साइड रखते हैं, फिर आप आगे आप लोग से डिस्कस करते हैं। अब प्रिंटर को ऑन करते हैं, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ लाइट ब्लिंक होना शुरू हो गया है। देखिए आप लोग ये पेज के लिए सिग्नल दे रहा है, पहले इंक के लिए दिया था फिर प्रिंटेड के लिए, अभी पेज के लिए दे रहा है। इसमें हम लोग पेज डाल देते हैं, इस तरह से पेज डालना होता है, इसका पेज हमने डाल दिया, ये ऑटोमेटिक सेंसर कर लेता है। देखिए ये देने लगा, अभी ये वाईफाई से कनेक्ट नहीं इसलिए ब्लिंक कर रहा है। देखिए ये कनेक्ट हो चुका है, ये कुछ प्रिंट कर रहा है, दिखाते हैं आप लोग को क्या प्रिंट कर रहा है। देखिए एक पेज आया है, ये इसको स्कैन करने का सिग्नल दे रहा है, तो इसको हम लोग स्कैन करेंगे। स्कैन करने के लिए आपको इसी पेज को इस तरह से, इस पेज को इस तरह से यहाँ पे पलट कर रख देना है,
ये देखिए ये साइन दिया हुआ है, इस साइड से रखना है। अब इस ये बटन को सॉफ्ट टच बटन है, बस ये टच कर देना, अपने ऑटोमेटिक ये ले लेगा। हमने इसको टच कर दिया, देखिए ऑटोमेटिक ये ले रहा है। देखिए स्कैन ले चुका है, अब प्रिंटर रेडी है हमारा, सब चीज़ सही तरीके से हो चुका है, ब्लिंक आवाज़ ये करता है जब इस पर स्कैन हो जाता है। तो अब हमें प्रिंटर की इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो इसके लिए आई बटन दबाना होगा हमें। ये देखिए इससे प्रिंटर की इंफॉर्मेशन निकल जाती है, पहले प्रिंटर की इंफॉर्मेशन निकल जाती है तो फिर हम इसे कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल या लैपटॉप से। सारी डिटेल निकल चुकी है, चलिए अब हम कनेक्ट करते हैं इसको लैपटॉप से, दिखाते हैं आप लोगों को कैसे। ये एक वायरलेस प्रिंटर है तो इसे लैपटॉप से कनेक्ट करना होगा या फ़ोन से। चलिए मैं लैपटॉप से आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे इसे लैपटॉप से कनेक्ट करना है। आप लोगों को इसका ऐप डाउनलोड करना होगा, जो इसका ऐप आता है HP स्मार्ट के नाम से। पहले आप लोग को HP स्मार्ट ऐप डाउनलोड करना है। देखिए HP स्मार्ट ऐप, देखिए ये जैसे मैंने डाउनलोड कर रखा है, ये फ़ोन में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप में भी। मेरा मैकबुक है तो मैंने मैकबुक में डाउनलोड कर रखा है। अब इसे ओपन करते हैं हम, ये देखिए ओपन हो रहा है। तो इस तरह से ओपन होता है, ये देखिए सेटअप और ऐड प्रिंटर का ऑप्शन आ रहा है। सेटअप अ न्यू प्रिंटर आपको इस पर करना है, गेट स्टार्ट। देखिए ये ऑटोमेटिक आ गया एक 58590 सीरीज़। देखिए मेरा ये कनेक्ट है वाईफाई से, 5G फ़ोन से, तो ये पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ वाईफाई का। मैं कंटिन्यू करता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन बटन को टच करने के लिए बोल रहा, मैं इन्फॉर्मेशन बटन टच कर दिया। इसमें थोड़ी सी टाइम लगती है लास्ट फिनिश सेटअप होने में, ये आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है। अगर आपका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है तो जल्दी हो जाती है, लेकिन थोड़ी टाइम लगती है। ये कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैं इस पर अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैं इसे ऑटो अपडेट के लिए डाल देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। देखिए अब ये सेटअप कंप्लीट हो गया, मैं इसे प्रिंटिंग के लिए एक ऐसी पेज दे रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ है, मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए क्या आती है प्रिंट ऊपर, जैसा कि देख पा रहे हैं वो ये वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है, तो ये ब्लिंक करना बंद कर दिया है और अभी एक पेज प्रिंट हो रहा है जैसे मैंने यहाँ से प्रिंट दिया था। के लिए चलिए आगे दिखाते हैं इसको कैसे अपडेट करना है और आगे क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये आप लोग को दिखाते हैं प्रिंटर को कैसे मैनुअली अपडेट करना है और इसकी कुछ कुछ और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन।
इसके लिए सबसे पहले इसका मैं आईपी एड्रेस जानना होगा। इसके लिए आप ये इंफॉर्मेशन के बटन देख रहे हैं, इस पर आपको सॉफ्ट टच करना है। जैसे हम इस पर टच करेंगे, ये किसका इंफॉर्मेशन पेज निकालेगा। ये देखिए दोस्तों, ये इसका आप लोग देख पा रहे हैं, ये इसका आईपी एड्रेस है जो वाईफाई से कनेक्टेड है, उसका एक न्यू आईपी एड्रेस जनरेट करता है। चलिए इसे कनेक्ट करते हैं हम लोग। रूम खोलना है, फिर यहाँ पे जो आईपी एड्रेस हमें दिया था वो आईपी एड्रेस डालना है 192.168.170.69, फिर इंटर करना है। तो योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट आएगा, इसे एडवांस करके प्रोसीड टू सेफ पे क्लिक करना है। ये देखिए आ गया, ये हमें साइन इन करने के लिए बोल रहा है, हम इसे साइन इन कर देते हैं। एक प्रिंटर के पीछे ये पिन होता है, हमें वो पिन डालना है, पासवर्ड जैसे हम लोग बोल सकते हैं। देखिए हमारा लॉगिन हो गया प्रिंटर। अब हम इसे सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाकर हम इसे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारा प्रिंटर का अपडेट का ऑप्शन, हम इसे अपडेट करते हैं। फर्मवेयर अपडेट में जाएंगे, हम इसे चेक नाउ करेंगे। देखिए हमारा प्रिंटर अप टू डेट है और मैं इसे यहाँ से ऑटोमेटिकली अपडेट के लिए ऑप्शन कर देता हूँ, बार बार मुझे ये नहीं करना पड़ेगा। मैं इसे इनेबल और कर देता हूँ स्कैन का ऑप्शन, फिर यहाँ से स्कैन होने लगेगा हमारा सारा मोबाइल और कंप्यूटर में। अगर मैं यहाँ से स्कैन करूँगा तभी, ऑप्शन ऑन करूँगा तभी मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। ये आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसे तभी आप लोग स्कैन कर पाएंगे। डिफरेंसेस में सारा ऑप्शन सही है, ये देखिए स्कैन का सारा ऑप्शन आ गया, पहले आपको ऑन करना रहता था, कर लिया। चलिए हमारा प्रिंटर सेटअप हो गया, अब मैं आप लोग को कुछ प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ से फाइनली आ जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। देखिए मैं आप लोगों को प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। मैं इसमें कलरफुल प्रिंट करूँगा, इसलिए कलरफुल कर देता हूँ। मैं इसको कमांड का स्पीड दबा रहा हूँ प्रिंट का। देखिए ऑटोमेटिक ऑप्शन आ गया आपका एचपी स्मार्ट टैंक का। अब इसे मैं यहाँ से प्रिंट कर रहा हूँ। ये देखिए प्रिंट हो रहा है, ये देखिए आ गया प्रिंट होकर। मैं आप लोग को दिखाता हूँ इस तरह से, काफ़ी फास्ट प्रिंट हुआ। लेकिन ये देखिए प्रिंटर पूरी तरह से सेटअप हो चुका है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग को आज का मेरा ये पहला ब्लॉग और इस प्रिंटर का अनबॉक्सिंग, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को भी अगर प्रिंटर लेने का सोच रहे हैं, इस प्रिंटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग जाकर एक बार ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं आज ख़त्म करते हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये पहला ब्लॉग, और इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू कर सकूँ। आप लोग का प्यार हमेशा मिलता रहे। थैंक यू।